लोगों के पास आप क्या लेके जाएंगे और क्या लगता है आपको बीजेपी इस बार जो है लोगों के दिल में अपना जो है बलवाला जज्बा पैदा करेगी? देखिए, सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को मुबारकबाद देना चाहूंगा, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और बीएल संतोष जी को। उसके साथ साथ स्टेट के शीर्ष नेतृत्व जो हमारे हैं, हमारे अशोक कोल जी, रविंद्र रैना जी और बाकी लोग, उन सबको मैं तहे दिल से आपकी वसात से मुबारकबाद देना चाहूंगा। उन्होंने आज फिर एक मुझे जिम्मेवारी दी है और मैं हमेशा अपनी जिम्मेवारी के ऊपर खरा उतरा हूं। और आज मैं आपकी वसात से कहना चाहूंगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं पिछले 5 साल, 2014 के बाद आज 10 साल में जो काम हुए हमारे कश्मीर में, उसके बिना पे हम वोट मांगने जाएंगे। और यहां की 5 अगस्त 2019 के बाद कोई हड़ताल नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई संगबाजी नहीं, यहाँ टूरिस्ट सेक्टर इतना बढ़ना, यहाँ G20 की बैठक होना, यहाँ पे सुबह स्कूल का बच्चा आराम से निकलना और शाम को घर वापस आना, रोड कनेक्टिविटी, मैग्नमाइज रोड, हमारा रेल, बाकी जो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड सब कुछ दिया है मोदी जी ने, वो लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोग मोदी जी को बहुत प्यार करने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार। मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया, हमारे संगठन ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जेपी नड्डा जी ने, हमारे संगठन महामंत्री अशोक कोल जी ने, हमारे किश्तवाड़ के नेता सुनील शर्मा जी ने और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी सेवा का अवसर ये जो मुझे मिला है, मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है, इस कसौटी पे जो मुझे उतारा गया है, मैं इस कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो नया चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से उतारा है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको, कितने लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे? परिहार ब्रदर्स की किलिंग के बाद, चंद्रकांत जी की किलिंग के बाद, कहीं ना कहीं किश्तवाड़ में सभी लोगों की जो है उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी पर ही डिपेंड थी, तो क्या लग रहा है आपको? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे। और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस सीट पे उतारा है, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं? परिवार में क्या कुछ माहौल था जब आपका नाम जो है वो सामने आया था? जी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझ पर ये विश्वास दिलाया जताया है, ये संगठन जो है हमारा, उसने ये मतलब अगर मुझे ये मैंडेट दिया है किश्तवाड़ से, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, हमारे किश्तवाड़ के लोग, तमाम लोग, ये सब मुझे मिलकर चलाएंगे। मैं एक्सपीरियंस में और हर चीज में उनसे पीछे हूँ, मैं उन सब से बहुत छोटी हूँ, मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति मेरा मार्गदर्शन कदम कदम पे करेगा। देखिए, मैं पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और फिर पार्टी कयादत का, जो कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई दिल्ली में ज़ेर सदारत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें मुझे चुना गया पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। मैं उनका इंतहाई मशकूर हूं, मुझ पर उन्होंने एक विश्वास किया, तो नजरें टिकी हुई हैं कैंडिडेटों पर कि कौन कहां से किस तरह से अपना मैदान मारेगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि फील्ड में बहुत सारा कंपटीशन है, अच्छा कंपटीशन है और इसमें मजा भी है, मगर मैं जाती तौर यह कहूंगा, बहुत काम किया है लोगों के लिए। मैंने पिछले 19 वर्ष से रहा हूं एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सामाजिक कारकुन भी हूं और काम भी अच्छा किया है। मैं एनसी में भी था, मेरे वालिद एनसी में थे बेसिकली, तो उनको शहीद किया गया था 2005 में, तो वो एक मायानाज हस्ती थी कश्मीर की, जिन्हें तकरीबन 100 किताबें मरतब की हैं, लिखी हैं, तो वहां भी काम किया। और मैंने खासकर पीडीपी में बहुत अच्छा खास रोल निभाया है पार्टी को बनाने में, तो एज जनशक्ति मैंने वहां पर काम किया है, स्टेट जनशक्ति, तो जहां पर भी मैंने काम किया है
मैंने बिल्कुल ईमानदारी से और विद फुल डेडिकेशन से काम किया है। आप राजपुरा से ताल्लुक रखते हैं? नहीं नहीं, मैं पांपुर से ताल्लुक रखता हूं। जो रत्नीपुरा है बहुत ही मशहूर गांव है, तो रत्नीपुरा पांपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आता है इस वक्त, और 2021 जो डिलिमिटेशन हुई उससे पहले पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है। तो आप कितनी उम्मीद है आपको? चैलेंजिंग टास्क है, एनसी कांग्रेस का अलायंस भी हो रहा है, एक यूनिक और टफ भी है, बहुत कुछ चीजें इलेक्शन में देखने को मिली। टफ भी है, यूनिक भी है, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि लोग जानते हैं मुझे, लोग मेरे काम को जानते हैं, लोगों को पता है कि शौकत गयूर ने इंफरादी तौर या इज्तमाही तौर एक खास रोल निभाया है उस पांपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मुझे उम्मीद है कि लोग आज अच्छा फैसला करेंगे, और उनके सामने मैं ये समझता हूं कि सभी तो अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। पहली बार लास्ट टाइम जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, आज खुलकर बीजेपी के कैंडिडेट्स को नाम लिया गया है, जहां मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी की बिल्कुल 2014 में भी बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, उसके बाद भी बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, और आज बिल्कुल खुले मैदान में मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स भारतीय जनता पार्टी में हैं इस वक्त भी, जो चाहते हैं कि हम मैदान में आएं और इलेक्शन लड़ें, मगर चूंकि कयादत का लीडरशिप का फैसला है कि हम कहां पर इलेक्शन लड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज पांपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलखसूस और बिलअमूम जहां जहां पर भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, लोग हमारी डेवलपमेंट को जो इस सरकार ने की, इस जो अमन आश्ती और बाकी तरक्याती काम है जो इस सरकार ने मंजर आम पर लाए, तो उसको वोट करेंगे, और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उसको कामयाब करेंगे, अगर फिर से हम इस अमन को बरकरार रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद के बीच पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक प्रक्रिया के बाद घोषणा की है। पार्टी ने पहली सूची में कुछ सीटों पर, जो कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज के कुछ जो हमारी सीट्स हैं, उस पर अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो फाइनल किया है। क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव है उसका नॉमिनेशन भरने की डेट 27 अगस्त है, तो पार्टी ने तुरंत ऐसे विधानसभा जो फर्स्ट या सेकंड फेज में आते हैं उन असेंबली सेगमेंट्स में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जल्द पार्टी दूसरी सूची भी जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कश्मीर में कुछ जगहों पर हम कुछ ऐसे विनिबिलिटी रखने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ हम आपसी तालमेल की हमारी बातचीत चल रही है, अन्यथा अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी। कश्मीर घाटी में यहाँ कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के दो उम्मीदवारों को पार्टी ने मैदान में उतारा है, हब्बा कदल और अनंतनाग ईस्ट से। इसी प्रकार पार्टी ने जम्मू संभाग में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय किया। भारतीय जनता पार्टी में नए पुराने चेहरे सब मिलकर काम करते हैं, बीजेपी में एक परिवार की तरह सब रहते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि किसका नाम आया है किसका नहीं आया है। नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। देश और समाज के लिए समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, इसलिए अपने भाजपा बीजेपी परिवार से कोई भी लड़े, कुछ लड़ते हैं बाकी वाले मिलके लड़वाते हैं। हमारा एक परिवार है और हमारा परिवार मिलके चुनावी अभियान को या सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाता है। उमर अब्दुल्ला ने जमात इस्लामी का जो है इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं उस पर वेलकम किया, क्या कहेंगे?
देखिए, जो भारत के संविधान को मानता है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, उनके द्वारा निर्धारित पैमानों पर जो खरा उतरता है वो चुनाव भी लड़ सकता है, अपना राजनीतिक दल का गठन भी कर सकता है। ये तो भारत का संविधान इजाजत देता है।